अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी वोट लिया उनके साथ तो आपको याद रखना है कौन बनते हैं नए सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओमार अब्दुल्ला ठीक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं ये और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है तो वो मनोज सिन्हा है ठीक है तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए अभी जानने की है ओके okay. नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं ये कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वापस से एक विंडो जैसा खुल गया है क्यों क्योंकि पाकिस्तान जो है वो होस्ट करने वाला है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी को जो कि फरवरी में नेक्स्ट ईयर होने वाला है और वो चाहता है कि इंडिया ट्रैवल करके पाकिस्तान आए मैच खेलने के लिए अगर इंडिया चला जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये हो जाएगी यहां पे कि 17 साल में पहली बार कोई ऐसी इंडियन टीम होगी जो विजिट विजिट करेगी अक्रॉस द बॉर्डर ये बायोलेटरल सीरीज जो है उसको मैसिव ट्वीक मिला है क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीम इस टाइम खेलती है तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा ठीक है ये इम्पोर्टेंट है और एक और बड़ी ऐसी हिस्टोरिक चीज ये हुई है कि 2015 के बाद से पहली बार कोई डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हुआ है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में ठीक है अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है एस जयशंकर और उन वो और जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है तो उनका नाम आप लोग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ठीक है और अभी एससीओ भी हुआ था मैंने आपको बताया था ना कुछ समय पहले ही मैं कवर कर रही थी तो एससीओ जो हुआ है एससीओ क्या है सांगहेई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग तो उसकी ये क्लिप है जिसमें पीएम कौन है अभी पाकिस्तान के तो शहबाज शरीफ यहाँ से ये होता वो रिसीव कर रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को तो ये एक अच्छी इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है ये सारी कुछ न्यूज थी अब हम लोग डिटेल में अंदर देखते हैं न्यूज को चलिए एक एक करके न्यूज को देखते है <laughs> मैं पहली न्यूज ये है, तो है, है पांच रोड की स्ट्रेचेस जिसमे से चार पास करेगी किसको लेकर किसके थ्रू तो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू पास करेगी ठीक है और ये जो है वो अलोंग किसके होगी तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मैंने बहुत समझाया था क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे आपका चाइना इस तरफ जो है एक्चुअली ये वाला है चाइना वाला टेरिटरी और ये वाला है इंडिया वाला टेरिटरी मैंने आपको इधर ही दिखाया था ये देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये वाली है ठीक है तो ये थोड़ा कंटेंशियस एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि इसमें से जो एक रूट है वो दौलत बेग ओल्डी रोड जो कि अपने कंट्री के नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री आउटपोस्ट है लद्दाख का ये देखो ये आपके हाँ दौलत बेग ओल्डी रोड यहां देख रहे है वो दौलत बेग ओल्डी यहाँ से एक रोड जाती है ये हमारी मिलिट्री की इंडियन मिलिट्री की सबसे ज्यादा बोल सकते हैं नदर मोस्ट मिलिट्री पॉइंट है सबसे ऊपर है ना यहाँ इसलिए नदर मोस्ट मिलिट्री पॉइंट और ये हाइएस्ट एयर स्ट्रिप है यहाँ पे जो एयर एयर स्ट्रिप स्ट्रिप है है वो हाइएस्ट भी हो जाता है। ये रोड स्ट्रेचेस क्लियर कर दी है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उन्होंने ये एक लिंक रोड भी क्लियर किया है जो कि चुसुल लुकुंग से थाकुंग पोस्ट तक लिंक करेगी एक लिंक रोड जो है वो डीएस जिसका नाम है दुर्बुक श्योक दौलत ओल्डी रोड मान लो कल को एग्जाम में आपके आता है तो आपसे अगर कल को पूछ दे कि कोई लिंक रोड जैसे कि दुर्बुक या श्योक या दौलत बेग ओल्डी तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे लद्दाख वाले रीजन में पहली चीज तो ये दूसरा ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है दूसरी बात तो ये और तीसरी बात ये कि ये जो है वो कंटेंशियस एरिया जहां पे अब पास बनेंगी ठीक है उसके अलावा जो डीबीओ है काराकोरम पास रोड के पास वहां पे एक अपग्रेडेशन हो रहा है लेह चुल रोड का भी ठीक है जो कि फाइव किलोमीटर लॉन्ग है चशुल्लुकुंग से ठाकुर को पोस्ट रोड अपग्रेडेशन ये जो है ना ये जो भी अपग्रेडेशन हो रही है ना इस रोड में ये पहले से पार्ट है इंडिया चाइना बॉर्डर रोड रोड थ्री प्रोजेक्ट का ठीक है जो कि चांगथांग कोल्ड डेजर्ट सेंचुरी से होके गुजरेगा तो यानी आपको यहां पे दो चीजें टेक अवे करनी है मैं लिख देती हूं पहला टेक अवे ये करना है कि चांगथांग कोल्ड डेजर्ट सेंचुरी कहां पे हो गया आपका लद्दाख में राइट ये देखो लद्दाख में दूसरा की टेक क्या करना आपको कि काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहा हो गया तो ये लद्दाख में तो पहले तो दो चीजें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक और प्रीलिम रिलेटेड चीज मैं आपको यहां बता देती हूँ कि ये जो चांगथांग कोल्ड डेजर्ट सेंचुरी है या काराकुरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड्स दिखते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में मैं बता दू तो स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहते हैं क्या कहते हैं घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स ये स्नो लेपर्ड्स आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पहली चीज मैं बता दू एक तो स्नो लेपर्ड बहुत कम नंबर में है ठीक है और स्नो लेपर्ड जो है वो इतने ज्यादा इनका कोट जो होता है ना ये ऐसे दिखते हैं अगर आप इनकी पिक्चर देखो तो इनका कोट इतना ज्यादा कैमोफ्लाज कर लेता है कि अगर आप इसको ढूंढने जाओ पहाड़ों के बीच में तो ये अपने बैकग्राउंड से इस तरह से अपने कोट की वजह से जो उसके ऊपर कोट है उससे मिला लेता है कि आप उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे इसलिए उसको घोस्ट ऑफ दी माउंटेन्स भी कहते हैं इसकी फोटो क्लिक करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए ठीक है ये एक इंडेंजर स्पीसी है और अगर आप इसका आयु स्टेटस मुझसे पूछो तो मैं आपको बता दूं इसका आयु स्टेटस वल्नरेपल है ठीक है

एक्सक्यूज मई पास हुए हैं वो इसी हुए हैं कि जो 100 किलोमीटर की चाइनीज टेरिटरी पास में ही है अब यहाँ पे अगर बनाया जाता है कोई भी रोड का क्लियरेंस तो वो किसको हेल्प करेगी तो हमारे डिफेंस को जो हमारा डिफेंस सिस्टम है ना वो आपको याद होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 2020 में जो क्लाशेज हुई थी उसके बाद से हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से चाह रही थी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाए इस एरिया में और अगर ये बिल्ड हो जाएगा ना तो जो चाइनीज टेरिटरी पास में ही है उस पर ओवर साइड रहे हम उस पर नजर रख पाएंगे ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है और पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी जो चाइना की है वो ट्रांसग्रेशन कर ना दे इसके लिए भी बहुत हेल्प करेगा ये ठीक है दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो इन्होंने क्लियर किया है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इन्होंने कुछ कंडीशन के साथ क्लियर किया क्यों देखो जब अगर ये इतने बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर के रोड जा रही है तो यानी कि कही कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को कोई खतरा मिलेगा तो उनको सेफ करने के लिए किनको सेफ करने के लिए एनिमल पैसेज को सेफ गार्ड करने क्योंकि एनिमल का पैसेज होता है ना से वो सेफ करना बहुत जरूरी है और ये जो भी रोड क्लियरेंस हुई है वो तभी पूरी होगी जब डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो परमिशन लेगा कौन सा परमिशन जो रिक्वेस्टेड परमिशन उसको चाहिए वो लेगा किसके लिए क्योंकि फॉरेस्ट लैंड का अगर वो डाइवर्जन करता है अगर फॉरेस्ट लैंड को काटना पड़ गया इस वजह से तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और जब आप परमिशन लोगे तभी जाकर ये जो है क्लियरेंस हो पाएगी तो ये तो गो अहेड इन्होंने दे दिया है लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपके लिए की परमिशन के साथ कंडीशंस के साथ गो अहेड मिला है इसको यहाँ पे आपको कुछ

नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते, कोरियन पेनिनसुला फिर से हीट अप कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो देखो अभी क्या हुआ ना कुछ ही टाइम पहले नॉर्थ कोरिया ने वेडे को अनाउंस करता है वो क्या कि वो उसके 1.4 मिलियन सिटीजन आर्मी में ज्वाइन करेंगे ठीक है, है और इसके अलावा जो नॉर्थ कोरिया का सदर्न बॉर्डर है वहां पे इन्होंने कुछ रोड और रेलवे को ब्लू अप कर दिया ठीक क्यों क्योंकि ये किस वजह से ये सारे अनाउंसमेंट कर रहा है नॉर्थ कोरिया तो रिटालियशन में क्योंकि साउथ कोरिया ने कुछ अलिजिडली ठीक है अलिजिडली जब भी होता है तो मतलब श्योर नहीं है कोई ड्रोन्स भेजे हैं प्योंगयांग में प्योंगयांग यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्योंगयांग कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का जिसमें प्रोपेगेंडा लीफलेट थे लीफलेट क्या होती है तो पेम्पलेट मान लो उस पैम्पलेट में कुछ कुछ प्रोपेगेंडा वाली चीजें लिखी हुई थी अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है ये जो दो कोरियाज है ना ये सत्तर साल से ज्यादा जो है एक दूसरे से वॉर में है वॉर मतलब एक टेक्निकल वॉर मत मानो ये वॉर आप ऐसा समझो कि ये दोनों एक दूसरे से जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना वॉर तो नहीं हो रहा बट वैसा है अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट बताती है उसको एकदम कहानी की तरह सुनो देखो क्या होता है ना कोरियन पेनेसुला जापान के कंट्रोल में था 1910 तक फिर क्या होता है वर्ल्ड वॉर टू का टाइम चल रहा है, है ना

ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जाना और वर्ल्ड वॉर वन नाइनटीन से अठारह ये तो सबको पता है अभी क्या के बारे में याद करो कि पे गिरा है। जो तो को सरेंडर करना पड़ता है जैसे ही जापान सरेंडर कर देता है तो ये जो कोरियन पेनस्यूल है पूरा का पूरा पहले, पहले सेम था नॉर्थ साउथ डिविजन नहीं था पूरा कोरिया जापान के अंदर था जैसे ही ये गिवअप करता है तो इसमें डिविजन आ जाता है और दो कोरिया निकल के आते हैं एक जिसमें सोवियत और चाइनीज लोग सपोर्ट करते हैं उसको सोवियत यूनियन और चाइनीज सपोर्ट करते हैं वो नॉर्थ कोरिया है और एक जिसको यूएस सपोर्ट करता है वो साउथ कोरिया हो जाता है ठीक है ये देखो दो पार्ट में डिवाइड हुआ एक जगह सोवियत ने इसको सपोर्ट किया और चाइना ने सोवियत एंड चाइना ने सपोर्ट किया वो नॉर्थ कोरिया और जिसको यूएस ने सपोर्ट किया यूएस सपोर्ट वो हो गया आपका साउथ कोरिया ठीक तो ये कोई एक कहानी होती है 1950 में नॉर्थ कोरियन फोर्सेस किसके अंडर तो किम इल संग यही जो है वो डायनेस्टी बनाता है जो मैंने आपसे पूछा था ना कोरियन डायनेस्टी जिसका अभी डिक्टेटर करेंट है किम जोंग उन ये जो है इसके अंदर नॉर्थ कोरिया जो है वो इन्वेट करता है साउथ कोरिया को क्या करता है किसमें उन्नीस सौ में इन्वेट करता है नॉर्थ कोरिया एन के लिख रही हूं इन्वेट्स साउथ कोरिया ठीक इसमें क्या होता है तीन साल जितना लंबा थ्री ईयर लॉन्ग कोरियन वॉर चलता है Korean War. कोरियन वॉर थ्री ईयर लॉन्ग कोरियन वॉर चलता है इसमें क्या होता है इनिशियली तो नॉर्थ कोरिया को गेन मिलता है मतलब इनिशियली नॉर्थ कोरिया जीतता रहता है लेकिन बाद में यूएस के सपोर्ट के साथ साउथ कोरिया फाइट बैक करता है और इवेंचुअली दोनों में से कोई नहीं जीतता और 1953 में बनता है डीएमजी कोरियन डी जोन 1953 में ये जोन ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या होगा कोई भी साइड जीता नहीं एक ट्रीटी साइन हुई 1953 में डी जोन बना थर्टी एथ पैरल बनता है जिसके बारे में मैंने कुछ ही दिन परसों ये शायद आपसे क्वेश्चन परसों हाँ आपसे पूछा था ना कि कौन सा पैरल है तो जो है है वो रफ़ली डिवाइड कर देता है इन दोनों को लेकिन कोई परमानेंट पीस नहीं होती है ये इम्पोर्टेंट है नो परमानेंट पीस ट्रिटी कोई परमानेंट पीस ट्रिटी साइन नहीं होती तो ये कहानी है थोड़ी इनकी हिस्टोरिकल कहानी जो मैंने आपको कोशिश की समझाने की मैं समझा पाई हूँ आपको उसके बाद जो है वो कोरियन नेशन तब से सपने देख रहे दोनों कि रीयूनाइट कर देते रीयूनाइट कर देते लेकिन ये हो नहीं पा रहा है ठीक है? पीसफुल अलग अलग अग्रीमेंट भी ये लोग करते हैं। एक दो में अग्रीमेंट किया इन्होंने एक दो में अग्रीमेंट किया एक दो में अग्रीमेंट किया सब क्या थे ये अटेम्प्ट्स थे फॉर पीस दे वर अटेम्प्ट्स फॉर पीस ठीक है लेकिन क्या हुआ कुछ नहीं निकल के आ पाया और ज्यादा हालत बद से बदतर हो गई अभी क्यों इतने ज्यादा टेंशन बढ़ गए हैं वापस से ये हीटअप क्यों हो रहा है टेंशन क्यों बढ़े तो इसके पीछे कहानी 2019 को जाती है 2019 में डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उनसे मिलने के लिए आते हैं ठीक है और वहां पे मिलने आते हैं और कहा मिलते हैं वियतनाम हिनोई में मिलते हैं ये चीज याद रखना ठीक है और ये इनकी सेकेंड मीटिंग होती है 2018 में पहले भी के जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प मिले होते हैं नॉर्थ कोरियन लीडर से बट 2019 में वापस वियतनाम वे, के हनोई में मिलते हैं वियतनाम का कैपिटल है ये ठीक है कैपिटल्स भी साथ साथ रिवाइज करते जाओ नॉर्थ कोरिया का प्योंग साउथ कोरिया का सियोल उसके बाद क्या होता है अचानक से इसमें कोई ट्रीटी इनकी जो मीटिंग होती है एब्रप्टली एंड हो जाती है कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट तक नहीं निकल के आता है तो इसके बाद क्या होता है ना नॉर्थ कोरियन जो किम जोंग उन है उसके चेहरे उसके लिए ये एक बहुत बड़ा शेमफुल चीज हो जाता है और वो जो है ना उसको एक ट्रॉमा मान लो ट्रोमैटिक हो जाता है उसके लिए और वो उसके बाद बोलता है कि अब तो मैं कोई अटेम्प्ट नहीं करूंगा नॉर्मलाइज करने के रिश्ते को ना ही यूएस से और अगर यूएस से नॉर्थ कोरिया अपने रिश्ते सही नहीं करता तो समझ लो कि वो साउथ कोरिया से भी नहीं कर रहा है क्योंकि यूएस हमेशा साउथ कोरिया को सपोर्ट देता है ठीक है तो क्या होता है इसके बाद से ये चीजें खराब हो जाती है अब क्या हुआ 2024 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में और भी ज्यादा रिश्ते खराब होने लगे क्यों? क्योंकि जनवरी 2024 में किम अनाउंस करता है कि वो अपना आउटलुक साउथ कोरिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है अब वो और ज्यादा जो है ना वो ये मान के चल रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया जब इस तरह से आप एकदम वर्ल्ड फोरम पे बोल दो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है तो ऑफकोर्स आपके लिए दुश्मन है तभी आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो उसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने एक बहुत अजीब सा टैक्टिक्स यूज करता है वो क्या करता है बलून भेजता है बलून जिस बलून के अंदर क्या होता है ना उसके अंदर अलग अलग प्रोपेगेंडा वाली चीजें रहती है उसके अंदर अलग अलग डर्ट कई बार वो लोग डर्ट भी दूसरे साउथ कोरिया में लोड करते हैं नॉर्थ कोरिया से बलून उड़ता है ठीक है हॉट एयर बलून मान लो वो जाता है साउथ कोरिया में वहां पे जाके डर्ट गिरा देते हैं कहीं कहीं प्रोपेगेंडा भी फैलाते हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए कितना खराब है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए तो क्या अभी वॉर होने की स्थिति है तो अगर उन्नीस के बाद देखो तो उससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन अभी हो रखी है क्यों क्योंकि नॉर्थ कोरिया की क्लोजनेस जो है ना वो रशिया और चाइना से है और रशिया और चाइना को के बारे में कहा जाए तो रशिया और चाइना बहुत इनफेमस है किन चीज के लिए इनफेमस है तो इस चीज के लिए इनफेमस है कि ये लोग ना साम दाम सब यूज़ कर देते हैं अगर उनको अपने आप को बचाना होता है और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया भी उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करेगा तो और यूएस साउथ कोरिया ये बोलता है देखो हम भी पीछे नहीं हट रहे तुम आओ हमारे पास पर हमारे पास यूएस का सपोर्ट है लेकिन हाँ इसके बारे में वहां के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, दिग्गज हैं, उनका कहना है इतना बड़ा स्थिति नहीं है कि वॉर हो जाएगा लेकिन हाँ स्थिति थोड़ी खराब चल रही है तो ये पूरा एक कहानी था कोरियन पेनेंसुला की उसकी हिस्ट्री की हॉस्टेलिटी की ठीक है ये आपको हमारा पता ही है करंट अफेयर मैगजीन है जिसकी क्लासेस भी चल रही हैं अपनी मैगजीन पढ़ो मैगजीन के साथ क्लासेस करो करंट अफेयर देखते रहो थोड़ा न्यूज से आपको सुबह सुबह हमारे न्यूज से अवगत करा देंगे वर्ल्ड में क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए और साथ साथ रिविजन करते रहो अच्छा खासा टाइम है अच्छे से पढ़ाई करो नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए हाँ न्यूज से पहले थोड़ा मैं आपको मैप दिखा देती हूँ बिना मैप के क्या ही समझ आएगा ये देखो ये आपका नॉर्थ कोरिया ये आपका साउथ कोरिया साउथ कोरिया के बारे में बताऊं तो साउथ कोरिया थोड़ा सा देखो वी डोंट नो कि नॉर्थ कोरिया में क्या सिचुएशन है पर नॉर्थ कोरिया बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर है इसने अपने आप के अंदर न्यूक्लियर वेपन वगैरह डाल लिए इस वजह से इसकी बहुत निंदा करते हैं कौन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन वगैरह भी इसकी निंदा करते हैं कि क्योंकि इसके पास क्या है इसके पास न्यूक्लियर वेपन है और साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया जो है वो खुद को बचाने के लिए उसके पास यूएस का सपोर्ट है पर जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन आ जाता है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो ही जाता है ठीक है यूएस ने बहुत कोशिश की जब डोनाल्ड ट्रंप भी वगैरह भी गए थे तो इसने कोशिश की कि जो है नॉर्थ कोरिया ना वो अपने को करते हैं। मतलब न्यूक्लियर वेपन हटा लेकिन ये हो नहीं पाया नॉट नॉट डन टेल येट हुआ नहीं तो इसलिए ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो जाता है साउथ कोरिया की बात की जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमिकली डेवलप्ड है क्योंकि यहाँ पे के पॉप सेंसेशन है जिससे बहुत ज्यादा जो है वो क्या मिलता है इनको रेवेन्यू मिलता है केपॉप बहुत ज्यादा फेमस भी हो रहा है वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में यूएस में जाके ये लोग अपने कॉन्सर्ट कर रहे हैं इसके अलावा साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड क्योंकि साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी वहां पे ये इतना नॉर्मल है कि माँ बाप अपने बच्चों को अपने स्पेशली लड़कियों को चौदह पंद्रह साल की उम्र में बर्थडे गिफ्ट में क्या देते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत वियर्ड सी चीज है पर आप जान लो और यहाँ पे देखो किस तरह से चाइना इधर नॉर्थ कोरिया से लगा हुआ है और रशिया भी लगा हुआ है इसलिए नॉर्थ कोरिया थोड़ा ज़्यादा क्लोज है इन दोनों की आइडियोलॉजी से जबकि साउथ कोरिया को यूएस सपोर्ट करता है ठीक है यूएस सपोर्ट करता है तो और यहाँ देखो ये यह रहा जापान तो बहुत टाइम तक उन्नीस तक ये दोनों इसी के अंदर आते थे पर अभी अलग हो चुके हैं नेक्स्ट न्यूज की बात करो तो देखो इटली में जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें सबसे बड़ा इनको प्रॉब्लम क्या रहता है ना इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसको लेकर इनका हमेशा का रोना रहता है वो है इमिग्रेशन इशू क्या होता है ना अलग अलग कंट्री से स्पेशली अगर तो आप यूरोपियन नेशन को देखो ये यह देखो यहाँ पे इटली है इटली कहाँ पे अब इधर आपको मेडिटेरेनियन सी आपको पता ही है यहाँ आपका क्या है अफ्रीका है यहां आपका अफ्रीका आ जाता है तो क्या होता है ना अफ्रीका से इमिग्रेंट्स आते हैं वैसे ही यहां इजिप्ट से इमिग्रेंट जो है ना वो भाग के चले जाते यूरोप में क्योंकि अफ्रीका में स्थिति इतनी अच्छी नहीं है अफ्रीका में पॉवर्टी है तो इनका एक यूरोपियन ड्रीम होता है इसलिए ये इटली चले जाते हैं या जो भी आसपास की यूरोपियन कंट्री है अब क्योंकि इटली पास है तो इटली ज्यादा ये लोग मूव करके जाते हैं मेडिटेरेनियन सी से पर इटली में ये इशू है ना क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उनके देश के नागरिक को को या फिर उनको माइनॉरिटी बना दिया जाए उन्हीं के देश में तो यही प्रॉब्लम इटली के साथ है तो इटली ने क्या किया है एक ट्रीटी साइन करी है किसके साथ अल्बानिया के साथ जिसमें ये लोग क्या करेंगे सो बांग्लादेश और इजिप्ट के जितने भी माइग्रेंट है या जो भी है माइग्रेंट है उनको ये लोग अल्बानिया भेजेंगे जिसमें पहले सोलह माइग्रेंट को जो है ये लोग अल्बानिया भेजने की तैयारी कर रहे हैं अल्बानिया में क्या आ, क्या बनाया उन्होंने तो अल्बानिया में इन्होंने दो असाइलम्स बनाए हैं ठीक है दो सेंटर बनाए हैं जो कि असाइलम की तरफ जो असाइलम सीख करते हैं ना कौन असाइलम सीख करते हैं ये इमिग्रेंट तो उनको असाइलम प्रोवाइड करेंगे ये दो सेंटर ये दो सेंटर जो है ना वो इटली को कॉस्ट भी करेंगे ऐसा तो है नहीं फ्री है क्योंकि जितना भी इनका मेंटेनेंस होगा ना अल्बानिया में वो इटली देखेगा इटली को ये थ्री सिक्स सेवेंटी यूरो मिलियन यूरो कॉस्ट करेगा ये इशू और अल्बानिया जो है इनको एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लेगा लेकिन इटली जो है इन लोगों को बाकी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेगा ठीक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पे है कि ये सिर्फ अडल्ट मैन को भेजा जाएगा अल्बानिया में जबकि जो वालनरेबल पीपल है में कौन हो 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 गए गए वुमेन चिल्ड्रन इनको इटली में ही रखा जाएगा ठीक है ये इमिग्रेंट्स इटली में ही रहेंगे लेकिन इससे आप ये सवाल बोलोगे कि किसी फैमिली में एक मर्द है और एक औरत है और दो बच्चे हैं तो तो फैमिली अलग हो जाएगी ना लेकिन ये क्लियरली है कि फैमिली को सेपरेट नहीं किया जाएगा ठीक है इटालियन एम्बेसडर कौन है अल्बानिया अलबानिया उन्होंने फ्राइडे को कहा कि ये जो दो सेंटर्स है ये माइग्रेंट को प्रोसेस करेंगे और माइग्रेंट के लिए ओपन हो चुके हैं लेकिन कुछ महीने का डिले हो गया था पर अब वो ओपन हो चुका है इसमें तीन हजार माइग्रेंट की कैपेसिटी है ठीक है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि ये माइग्रेंट्स को इटालियन कोस्ट गार्ड पिक करके लेकर के जाएगा इंटरनेशनल वाटर में लेकिन बार बार ही मैं बार बार इसमें फोकस कर रही हूँ नॉन वालनरेबल मेन मैन में भी वॉल्नरेबिलिटी होगी ना जो मैन मान लो कोई इंजर्ड है या ऐसा कोई तो जो नॉन वालनरेबल मैन है उनको ही अल्बानिया भेजा जाएगा ठीक है दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो असाइलम में लोग जाते हैं अल्बानिया में वो वापस इटली जाने के लिए वापस से अपनी राइट खो देंगे कि नहीं तुम इटली जा ही नहीं सकते हो। वो वापस से अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे इटली में ही असाइलम दो पर उनके क्लेम्स को प्रोसेस किया जाएगा अगर एक्सेप्ट किया जाएगा क्लेम तो ठीक है उनको वापस से इटली बुला लिया जाएगा लेकिन अगर उनका ये क्लेम जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो इनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा अल्बानिया में लेकिन ये तो सोचो अल्बानिया ऐसा कर क्यों रहा है इतना इतना दयालु क्यों हो रहा है तो देखो कुछ भी फ्री का नहीं होता अल्बानिया अल्बानिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अल्बानिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है ठीक है और यूरोपियन यूनियन मेंबर बनने के लिए वो अगर इस तरह से हेल्प करेगा तो अल्बानिया का ये जो नीड है उसको पुश मिलेगी अब थोड़ा यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं तो यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक और पोलिटिकल ब्लॉक है जिसमें सत्ताईस नेशन नेशन है वो सारे यूरोपियन नेशन है ठीक है

उसने एक आउटलुक निकाला है जिसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिलीज किया तो आपको पता होना चाहिए कि ने रिलीज किया इतना आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ठीक इस आउटलुक में अलग अलग चीजें बताई गई कि एनुअल बिल्ड स्पेस इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रिसिटी एसी से जो है वो जो है वो मेक्सिको से भी ज्यादा इंडिया यूज कर रहा है ठीक है टोटल एनर्जी डिमांड की क्या ग्रोथ हुई है एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी ट्रिपल हो गई है 1400 हंड्रेड गीगावाट नेचुरल गैस का डिमांड एस टू एमिशन क्या रहे हैं बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है ठीक है उसके अलावा एयर क्वालिटी पे क्या इम्पेक्ट रहा है तो ये सारी चीजें जो है ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में बताई गई है और ये फ्यूचर के लिए क्योंकि नाम ही आउटलुक है तो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से आता है ये ठीक है और देख सकते हैं आप डेली कार एडिशन बारह हजार के हो रहे हैं इंडिया में तो ये सारी कुछ न्यूज थी आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि हाईएस्ट मोटरेबल पास कहाँ लोकेटेड है तो अभी मैंने लद्दाख के बारे में आपको बताया तो इतना तो समझ में आ रहा है कि लद्दाख में है इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दे रही आप एग्जैक्टली exactly मुझे नाम बताओगे कि उस मोटरेबल पास का नाम क्या है चूंकि हाइएस्ट मोटरेबल पास है वर्ल्ड का है ये इंडिया के लद्दाख में पर आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा है ये हाइएस्ट मोटरेबल पास ओके और उसके अलावा कल मैंने आपसे सी डोम पूछा था ना ये जो सी डोम है वो नेवल वर्जन है आयरन डोम का इजरायली आर्मी का जो आप लोगों ने बहुत ही सही आंसर दिया सो कॉन्ग्रेचुलेशन वेरी गुड मैं आपसे मिलती हूँ एक्सक्यूज मी नेक्स्ट लेक्चर में कीप रीडिंग एंड बाय थैंक यू